नमस्कार संस्कृत में आयुर्वेद में हम कहते हैं रोगा हा सर्वे मंदाग्न मतलब क्या है सभी रोग सभी सभी, सभी रोग मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं अग्नि कौन सा अहम वैश्वान भूत प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम जन्म चतुर्विधम जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती दिखती नहीं स्पर्श नहीं कर सकते बहुत सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है इसको हम परमात्मा कहते हैं वो कह रहे हैं कि आप तो खा लेते कुछ भी खाइए आपकी मर्जी है मैं क्या बोलूँ क्योंकि मनुष्य को छूट दी है भगवान ने कि बनाया मैंने लेकिन क्या करना वो तुम्हारे ऊपर तुम करो लेकिन वो कहते हैं कि एक काम मत करो क्या ऐसा मत करो कि जिससे तुम खाने के बाद अग्नि तुम्हारा पूरा ही निकल जाए जैसे अग्नि होगा ना तो इसको फूंक मारते हैं तो भी ऐसे संभाल के ऐसे हम लोग ट्यूब लेते तो अग्नि प्रज्वलित होता है इसको एकदम फक करेंगे तो सब उड़ जाएगा और इसको फूंक मारेंगे ही नहीं तो भी निकल जाएगा पानी है वो भी उसको उठा सकता है ऐसे छाटा मारे फक तो राख निकल जाएगी तो अग्नि लेगा ये अग्नि है शरीर का जो पचन करने का मेन जो अन्न आया उसके सब शरीर के साथ धातु बनाने का काम पचन से होता है तो अपचन भी तुम्हारा हो गया तो समझो बड़े रोग को आमंत्रण पत्रिका लिख रहे हो ये ध्यान रखना लोग तो क्या है मुंह में वास आ रही है अन्न सड़ गया अंदर तू भी खाते रहते चलो जरा आज ये होटल में जाएंगे आज ये खाएंगे आज पानी पूरी करते हैं भाजी करते हैं। अरे मुंह का वास तो देखो अन्न पहले का पचा नहीं है तीन दिन लंघन करो कुछ नहीं पानी के सिवाय पीना पेट का अग्नि फिर उठाओ और बाद में खाओ तो इसलिए ये अन्न के लिए कोई अक्सिर दवा चाहिए और वो अक्सर दवा है हमारा ये जो नींबू है ना वनस्पतियों में बस एक नंबर है जैसे अदरक एक पूर्ण दवा का भंडार है इसी तरह नींबू है नींबू में क्या गुण है वो एंटी वायरल है अल्कोहल का अल्कोहल को स्पिरिट कहते हैं ना ये सब जो वायरल है स्पिरिट्स और ऐसी सब चीज़ें ये नींबू से ही ट्रीट होती है तो ये नींबू है ये नींबू और साथ में ये वनस्पति ये सब मसाले चाहिए घर में ही रहते हैं कोई मसाला अभी इसको क्या है ये नींबू है तो इसको काटना है छुरी स्टील की है हैंडल प्लास्टिक का है, प्लास्टिक की छुरी से प्रयत्न तो नहीं करते और नींबू जब काटते समय ऐसे थोड़ा घुमाइए ताकि रस दबा के नहीं काटना ऐसा 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 नींबू जरा घुमाइए और आड़ा ही नींबू काटना कभी खड़ा नहीं काटना देखा अभी ये नींबू का इधर उधर ये एक्सिस है ना तो इधर ऐसे आड़ा काटना खड़ा नहीं नींबू काटते कभी अभी ये नींबू आ गया बराबर अभी ये नींबू को क्या करना है कि थोड़े से इसके बीज है वो ऊपर ऊपर ही है तो ज़रा निकाल देंगे तो चलेगा ये बीज थोड़े निकाल दिए और अभी यहाँ पर रखा है ये ये जो है जीरा ये जीरा है जल जीरा जैसे होता है ना पचन के लिए तो अच्छा है आप जानते हैं तो ये जीरे का पाउडर जो है वो इसके ऊपर पहले ऐसे डालो फिर है अजवाइन ओवा जिसको हम बोलते हैं तो थोड़ा ओवा का यहाँ पाउडर डाल दो दोनों भाग पर करना है मैं अभी एक कर रहा हूँ इसके बाद जो है वो थोड़ी सी हल्दी है वो इधर डाल दो इसके बाद ये हींग है वो एकदम चपटी चाहिए हींग ज़्यादा नहीं चाहिए तो ये हींग एकदम थोड़ा सा लेके ये डाल दिया और ये सेंधा नमक है वो डाल दिया ये तैयार हो गया इसको भी ऐसे ही थोड़ा करके दोनों को मिला के ऐसे बंद कर दो और एक जो गरम प्लेट है ता अपनी जो तलने की कढ़ाई है ऐसे उसमें रख के पानी वानी तेल बिल कुछ नहीं रखने का है नीचे से अग्नि दे दो इसको उबलेगा तो ये उबला नींबू है ये ध्यान रख रहा थोड़ी आग, बद 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 ऐसे उबलेगा तो गैस बंद कर दो या अग्नि पर से नीचे उतार दो ये ठंडा हो जाने के बाद रस निकाल लो इसका और रखो बस एक दो चम्मच रस और देखो आपके आहिस्ता 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 दो चार दिन की आदत है एक दिन में तो लाभ होगा ही पेट दुखना बंद हो जाता है इधर जो दुखता है पेट और लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और कभी कभी एंटासिड ले लेते हैं एंटासिड का काम ये नहीं है ये तो पचनाग्नि है उसको मंदाग्नि जो है उसको हमको संदीपन उज्जवल करना है उसको अग्नि अच्छा होगा तो खाने को पचाएगा खाना पचा पच उसका सब साथ धातु में रूपांतरण हो गया तो ओ आ जाएगा कौन रोग शरीर में प्रवेश कर सकता है कोई रोग की हिम्मत नहीं है शरीर में आने की इस तरह से ये बहुत ही एक अक्सर ऐसी आपको वस्तु बताई आयुर्वेद में हम लग लगभग लग क्या करते हैं लोग बोलते हैं नींबू पानी ले लो नींबू का शरबत ले लो वो सब जब गर्मी बढ़ती है ना सब शरीर में तो गर्मी के ऊपर वो अच्छा है अभी गर्मियों में नींबू का शरबत है और ये जीरे की थोड़ी पाउडर डाल के वो अच्छा रहता है नमक जीरे की पाउडर या शक्कर डाल के तो और अच्छा तो ये ले लेते हैं तो कभी कभी क्या है कि ये नींबू का रस है ऐसे थोड़ा चाटने से भी फ़ायदा होता है या नींबू और अदरक का रस है वो थोड़ा ले लेने से भी फायदा होता है लेकिन आपको ये जो आदत हो गई है कायम कुछ दिन हो गए कि अग्नि फिर मंद हो जाता है अपचन होता है फिर आप खाते रहते हैं और ज़्यादा गड़बड़ होती है और रोग आ जाता है तो इसको ठीक करना हो तो ये एक अक्सर दवा है और इसका आगे एक समझिए कि पेट में गैस होता है नीचे से गैस पास होगा तो भी अच्छा नहीं है नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं है ऊपर से ढकारें आती रहती है गैस हो गया तो पेट फूल जाता है और फिर बेचैनी हो जाती है तो ये ऐसी अवस्था में भी ये उपयोगी है हम लोग एक बात ध्यान में रखना है हमें ध्यान में रखनी है कि अपचन होने से या मंदाग्नि होने से एक्चुअली खाने की इच्छा ही होती नहीं जो नेचुरल थोड़ा सा विचार करे तो लेकिन लोग मन से खाते हैं ना या आँखों से आजकल सर्विंग जो होता है वो डेकोरेटिव होता है देख के यम्मी यम्मी ये यम्मी यम्मी है वो यम की बहन है ध्यान रखिए तो इसलिए ये जो गैस वगैरह है पेट दुखता है इससे इसके ऊपर अक्सर काम करेगा और पाँच छः दिन उसको लेते रहना रोज़ नहीं बनाया रोज़ नया रस बनाना और ज़्यादा हो गया तो दूसरे को देना किसी को ऐसा भी मंदाग्नि नहीं होगा तो थोड़ा आधा चम्मच रस लेने से पचन शक्ति जो है वो ज़्यादा बढ़ती है तो घर में किसी को भी दे देना लेकिन पाँच छः दिन ये ट्रीटमेंट करना और ये जो आदत है उससे छूट जाना